कोई भी अपराधी अपराध करके खुलेआम नहीं घूम सकता है, ये सुशासन की सरकार है। इस सरकार का एजेंडा है कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी चाहे पताल में छुपे हो, अपराधी को दबोच लिया जाएगा। और यह कार्रवाई करके मुजफ्फरपुर पुलिस ने भी दिखाने का काम किया है, दूसरे प्रदेशों से अपराधी को जो पकड़ लिया गया है। अभी एक और घटना हुई थी लूट के, 24 घंटे के अंदर में 100% रुपये की बरामदगी कर दी गई है। तो घटना होला की बात है, लेकिन प्रशासन जो है सो एकदम तत्पर है और प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और अपराधी जल्द से जल्द दबोचे भी जा रहे हैं। इन दिनों बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विपक्ष सरकार पर हावी है। विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, साथ ही साथ RCP सिंह ने भी बड़ी बात कही है कि नीतीश कुमार से राज नहीं चल रहा है, चाचा भतीजा राज नहीं चला पा रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए IT मिनिस्टर हैं इसराइल मंसूरी, जिनसे हम बात करेंगे। क्या सरकार ठीक से आप लोग नहीं चला पा रहे हैं? कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है, BJP कह रही है। तो विपक्ष तो कहेगी ही। आपको कोई भी घटना हुआ है, मुजफ्फरपुर की घटना को देख लीजिए। हम बोले थे, हम 2 दिन पहले बोले थे कि अपराधी पताल में भी होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी और गिरफ्तार करके ले आएगी। गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? अभी पत्रकार की हत्या कर दिया लोगों ने, तो चारों अपराधी 6 घंटे के अंदर में गिरफ्तार हुए कि नहीं? अभी सदर थाना में एक लूट की घटना हुई है, 8 लाख रुपया लूट हुई और 24 घंटे के अंदर में बरामद हुआ पूरा गिरोह के साथ और हथियार के साथ। तो अपराध होना अलग बात है, उस पर कड़ाई सरकार सख्ती से कर रही है। कोई भी अपराधी अपराध करके खुलेआम नहीं घूम सकता है, ये सुशासन की सरकार है। तो आपको नहीं लग रहा कि अपराध इन दिनों ज़्यादा बढ़ गया है? अभी सवेरे चकिया में एक ठेकेदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, मुजफ्फरपुर में कल गोलीबारी हुई है, तो लगातार अपराध बढ़ रहा है, इसका कारण कुछ होगा ना? देखिए, ऐसा नहीं है, प्रशासन अपने काम में लगा रहता है, चूक हो जाती है तो, लेकिन प्रशासन कार्रवाई किस रूप में करती है, कितना त्वरित है, ये देखने की ज़रूरत है। ये नया चीज़ नहीं, ये तो सब दिन चले आ रहा है। तो प्रशासन तत्पर है कि नहीं, प्रशासन कार्रवाई कर रही है कि नहीं, और कोई अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम तो नहीं रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसा नहीं है बिहार में, चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो है सो कि कहीं बक्से नहीं जाते हैं। और नीतीश कुमार जी की सरकार में स्पष्ट है, किसी भी आदमी को न बचाया जाता है न फंसाया जाता है। तो इस सिद्धांत पर काम कर रही है और अपराध अगर होता है तो कार्रवाई भी निश्चित हो रही है। अच्छा, तो IT मिनिस्टर अभी आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल की तरह पीछे लग रहा है, तो वो भी क्लियर कर दे। अभी रक्तदान करने आए हैं, कहाँ पर रक्तदान करने आए हैं? अभी मारवाड़ी युवा सम्मेलन मंच और के माध्यम से जन सहिता और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण है, तो हमको जानकारी लगी, ये लोग तो बराबर शिविर लगाते हैं, रक्तदान शिविर, और गरीब मरीजों को जिसका कोई देखने वाला नहीं है, जिसको ब्लड के कारण मौत हो सकती है, तो ये लोग सेवा मुहैया कराते आए हैं बरसों से। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी जो इन लोगों को सहयोग करना चाहिए, चूँकि एक नेक काम कर रहे हैं, किसी के जीवन में जीवन देने वाले बन रहे हैं, इसलिए हमको लगा। और प्रिंसू मोदी जी को हम बराबर एक्टिव देखते थे, तो हम इनको बोल करके आए हैं, इनके अच्छा काम से प्रभावित होकर के हम आए हैं और ब्लड देने का काम किया। तो कैसा महसूस हुआ, ब्लड दे दिया आपने, कैसा फील हो रहा है? देखिए, कोई भी आप अच्छा कार्य कीजिए, कोई भी अच्छा कार्य आप कीजिएगा, आप चले जाइए मंदिर में पूजा कीजिए, आप पूजा करके आप बाहर रख जाइए श्रद्धा के साथ, कितना आनंद मिलेगा। उसी तरीके से कोई इबादत करता है तो अच्छा काम, नेक काम कीजिएगा तो आपको आनंद, उसकी आनंद की अनुभूति एक अलग किस्म की होती है। आप बुरा काम कहिए करके आइएगा तो आप बेचैन महसूस कीजिएगा। तो अच्छा काम है, डोनर कुछ दिए हैं तो निश्चित तौर पर हमको आनंद की अनुभूति उस तरह का लगेगा। चलिए, एक आखिरी राजनीतिक सवाल है, इंडिया बन चुका है तो इंडिया NDA पर हावी होगा 2024 में? देश की जनता जो है, इस देश की जनता सेंटिमेंटल जनता है, भावुक जनता है, ये झांसे में आ जरूर जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी चीज़ों को समझ भी जाते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा, बहुत ऐसे चीज़ है जो जनता को समझ में आ रही है। कोई वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई ऐसा सब दवा से लेकर कफन तक, कोई ऐसा जीवन में कोई सा चीज़, क्या कहते हैं, पदार्थ नहीं हो, वस्तुएँ नहीं हो
जिसका जो है सो महंगाई बढ़ा नहीं है। तो इन सब चीज़ लोग देख रहे हैं, बेरोजगारी का क्या हाल है, तो जनता मूल्यांकन कर रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंडिया इसका लाभ ले पाएगा। तो देखिए, आने वाले समय में इंडिया लाभ ले पाएगा, मतलब 2024 में आईटी मिनिस्टर का मानना है कि इंडिया आगे बढ़ के सरकार बना पाएगी। आगे भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।